एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संदीप वाल्मीकि जी, जो बहुजन समाज के ही नहीं पूरे वाल्मीकि समाज के बहुत प्यारे हैं और 27% की जनता ने इनको बहुत अच्छे से जिता के भेजा है। संदीप जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, आपके अधिकतर बातों में कहीं ना कहीं बहुजन समाज दिखाई देता है और आप बात करते हैं कि मिशनरी बनो, आप कहीं ना कहीं बात करते हैं, आप आम आदमी से हैं और उसके बावजूद भी आप बात करते हैं बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ। तो अगर आपको बहन कुमारी मायावती टिकट देती हैं तो क्या आप इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे, और अगर आपको बहन जी टिकट भी देती हैं तो आप उसका जन प्रचार और उस आंदोलन को कैसे आप खड़ा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा आप लोगों को, ये जितने लोग हैं चाहे आम आदमी पार्टी में, भाजपा, कांग्रेस में, ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनके औकात नहीं है राजनीति करने की। अगर हमारा कोई पॉलिटिकल फ्रंट है आज नेशनल लेवल पे तो वो बसपा है, और उसकी कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और उसके संस्थापक हैं माननीय काशीराम, और जिनकी विचारधारा काशीराम साहब लेके चले वो बाबा साहब की विचारधारा है, और जो बाबा साहब जिनके अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, वो समानता, इक्वलिटी, फेटलिटी इनका प्रतीक हैं। तो ये सोच लो, ये मिशन है, ये पार्टी नहीं है, और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को लगना पड़ेगा। और जहाँ तक सत्ता की बात है, बहन जी हमें चाहिए कहीं भाई बूथ पे काम करना, बूथ पे काम करेंगे हम उनके लिए। वो ये कहेंगे अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ना, उसके सामने चुनाव लड़ेंगे। वो कहें नरेंद्र मोदी का आगे चुनाव लड़ना, वहाँ लड़ेंगे। वो कहें राहुल गांधी का आगे चुनाव लड़ना, उसके आगे लड़ेंगे। बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, हम चाहते हैं वो देश की प्रधानमंत्री बने, उसके लिए हमारा चाहे एक रुपये का वो सहयोग हो, चाहे एक लाख का हो, चाहे एक करोड़ का हो, चाहे कितना भी हो, एक कार्यकर्ता के रूप में हो या MLA के रूप में हो या MP के रूप में हो, जो भी हमें जिम्मेदारी मिले, जो भी काम मिले, चाहे ना भी मिले, हम लोगों को काम जो है ना बहुजन मूवमेंट का ही करना है, हम लोग उससे बाहर नहीं जाएंगे कभी भी। संदीप जी, आपने राजनीति में रह के समझा कि कहीं ना कहीं मिशनरी होना बहुत ज़रूरी है, और आज भी कांग्रेस और BJP के अंदर बहुत सारे बहुजन और दलित समाज के नेता हैं जो आज भी वहाँ से छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये सारा 85% देश का शासन है बहुजन समाज का, अगर ये सब एकत्रित हो जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी EVM, कोई भी बैलेट पेपर बहन कुमारी मायावती की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे लोग दूसरी पार्टियों में, वो मैंने कहा ना, नौकरी कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग मिशनरी नहीं है, वो अवसरवादी लोग हैं, बेचारे काम धंधे की तलाश में, वो उनको मिल गया, वो बड़ी कंपनियां उनको लगती हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन जो मिशनरी लोग हैं ना, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका अपने समाज के लिए उद्देश्य होता है, उनका अपने देश के लिए उद्देश्य होता है, उनका इस परिवार के लिए उद्देश्य होता है। तो हमारा अपने लिए कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि देश में बहुजन समाज का राज स्थापित हो, सिर्फ यही है। आपसे संदीप वाल्मीकि, जिन्होंने बताया कि अगर बहन कुमारी मायावती से मुझे टिकट मिलता है, चाहे उसके अगेंस्ट मेरे को केजरीवाल के अगेंस्ट खड़ा करा जाए, चाहे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खड़ा करा जाए, मैं अपनी सीट को बाहरी बहुमत से जिता के दिखाऊंगा।